IBN9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला जेल देवास में दिनांक 12 सितंबर 2024 को गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में जेल गेट के राजा की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप श्री ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला देवास महाआरती में शामिल हुए। मुख्य अतिथि का स्वागत जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे एवं जेल उपाधीक्षक श्री अनिल दुबे द्वारा पुष्पगुच्छ व साफा पहनाकर किया गया। इस उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में जेल परिरुद्धित महिला बंदियों द्वारा जय हो सिद्धिविनायक जय गणपति भजन पर मराठी वेशभूषा में नृत्य किया गया एवं पुरुष बंदियों द्वारा गणपति बप्पा मोरिया भजन पर नृत्य किया गया एवं भजन मंडली राजौदा द्वारा आयोजित भजन संध्या में जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। समस्त स्टाफ मराठी वेशभूषा में उपस्थित रहा। इस अवसर पर समस्त बंदियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ महाआरती में शामिल हुए। अंत में जेल अधीक्षक द्वारा कलेक्टर महोदय का आभार व्यक्त किया गया एवं कलेक्टर महोदय द्वारा जेल अधीक्षक श्रीमती हिमानी मनवारे को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए समस्त जेल स्टाफ व सभी बंदियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी तथा भविष्य में इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि जेल में निरुद्ध बंदी समाज की मुख्य धारा में बने रहे व उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। जैसा कि हम आज सब यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा गणेश का पंडाल यहाँ सजा है और जो परफॉर्मेंसेस हुई है यहाँ पर, यकीन नहीं आता कि वो बंदियों के द्वारा एक दिन में तैयार की गई। इसके लिए विशेष रूप से जिला ऋषिया मैडम और जिला साहब, उनको बधाई देना चाहूँगा। हम जब छोटे थे तो बचपन में अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के बड़े हुए हैं, उसमें प्राण जिलर का रोल किया करते थे, वो एक अलग माहौल हुआ करता था। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऋषिया मैडम स्वयं भजन गा रही हैं, सब बंदी इतने अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक आइडियल एनवायरनमेंट है। जो एक जेल की परिकल्पना है कि बेसिकली वो एक सजा की जगह नहीं है, वो एक जगह है जहाँ पर उनका रिस्टोरेशन हो सके और लोग वापस से समाज में अच्छे नागरिक बन के रह सकें, उसकी तैयारी होती है। तो आई थिंक इससे अच्छी जगह नहीं होगी। इसके अलावा जो ये गणेश पंडाल, गणेश पूजन आने वाले टाइम में, माता जी का पूजन, ये सब चीज़ों का हमारा सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्व है और ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमने सदियों से इसको सहेजा हुआ है, ये संस्कृति को, ये खोना पाए। तो इस चीज़ों के लिए इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए और इसके लिए भी मैं अभिषेका मैडम को बधाई दूंगा कि हमारे बंदी हालांकि अभी समाज से दूर हैं, लेकिन तब भी जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उससे दूर नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो देवास जेल में हो रही है। आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कलेक्टर साहब की उपस्थिति में बहुत शानदार रंगारंग यहाँ कार्यक्रम हुआ। गणेश उत्सव के तारतम्य में हमारे एक सांस्कृतिक छोटा सा कार्यक्रम था। सरकार हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, हम खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं, कहाँ खुशी मिलेगी, जबकि हमारी संस्कृति में इतने सारे अवसर हैं खुशियों के लिए। तो हमने सोचा कि लोगों से इस तरह से मनाया जाए कि इसकी यादें हमारे साल भर रहे, अगले बरस बब्बा फिर आएंगे तो हम फिर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। और मैं सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपके द्वारा, जेल स्टाफ के द्वारा दीदियों को आकर्षक देखिए, हमारे जो बंदी भाई बहने हैं वो प्रतिवर्ष हमारा कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें प्रस्तुतियां देते रहते हैं, उनको आदत पड़ गई है कि एक दिन में कैसे कार्यक्रम तैयार करना है, तो वो बिल्कुल रेडी रहते हैं, बड़े उत्साह के साथ रहते हैं। और हमारे जो पूरा स्टाफ है उनकी ही आप मदद से या उन्हीं का ये माना जाएगा कि उन्हीं ने ये सब कुछ तैयार किया है। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं पूरे स्टाफ को भी आपके माध्यम से उनको फिर से धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम के द्वारा एक आइडियल एनवायरनमेंट आपने दिया है। बिल्कुल, जैसा कि कलेक्टर साहब ने बोला कि हम संस्कृति से कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, तो एक ये जो माहौल हम बनाते हैं कहीं ना कहीं संस्कृति से हमें जोड़ता भी है, साथ में हमें समाज में एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करता है। जो हमारे बंदे यहाँ समाज से कटे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं ये फील होता नहीं, हम समाज में अभी भी विद्यमान हैं और हम बाहर जाके भी उसी तरह सब में घुल मिल सकते हैं।